देवरिया में अधेड़ की गला रेत कर हत्या, मुर्गी फार्म के पास मिला शव। देवरिया जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां महुआ डीह थाने के चिहुड़ा गांव में सोमवार की रात में अधेड़ की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मंगलवार की सुबह मृतक का शव एक मुर्गी फार्म के करीब मिला। आटा कोतवाली के करज गांव के रहने वाले श्रीकांत प्रसाद सोमवार की शाम धान की रोपाई कराकर रामपुर गौंदरिया चौराहा पर बाजार करने गए थे। देर शाम तक घर नहीं लौटे। मंगलवार की सुबह महुआ डीह थाना क्षेत्र के चिहुड़ा खास गांव के पास एक मुर्गी फार्म के पास उनका शव मिला। शव का गला धारदार हथियार से रेता लग रहा था। महुआ डीह पुलिस ने पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। इस मामले में पुलिस ने गांव के एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक की पत्नी शांति देवी, बेटा प्रीतम और दो बेटी शादीशुदा हैं। वह 2 जुलाई को सऊदी कमाने जाने वाला था। जनपद देवरिया में महुआ डीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत चुरिया खास ग्राम में एक व्यक्ति का मृत शरीर मिला है। इस व्यक्ति की पहचान हो गई है। व्यक्ति 51 वर्ष का है और मूल रूप से हारता थाना क्षेत्र में जनपद कुशीनगर का निवासी है। गले पर धारदार हथियार से वार किया गया है। इस संबंध में थाना महुआ डीह पर सुसंगत धाराओं में अभी पंजीकृत किया जा रहा है और 3 टीमें इस घटना को वर्कआउट करने के लिए बनाई गई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि किसी परिचित व्यक्ति द्वारा ही आपसी विवाद में घटना की गई।